नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत में बनी उस आर्टिलरी गन के बारे में आपको जानकारी देंगे जो दुनिया में सबसे लंबी रेंज होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है। और ये गन कुछ ही समय में 5 से 6 राउंड को फायर भी कर सकती है। इसके अलावा ये गन जल्द ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट भी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी आर्टिलरी गन के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि इस गन की रेंज क्या है, इसकी कीमत क्या है, इस गन को विकसित करने में कितने वर्षों का समय लगा है, इसके अलावा इस गन की और क्या क्या खूबियां हैं। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बंदूकों के मामले में भारत के रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की कहानी में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है और इसे जल्द ही इंडियन आर्मी में सम्मान के साथ जगह भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि 155 mm और 52 कैलिबर की ये बंदूक दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली गन सिस्टम में शुमार है और डिफेंस के रिसर्च एवं डेवलपमेंट विभाग यानी R&D डिपार्टमेंट में पिछले कुछ दिनों में कहा है कि सारे टेस्ट कामयाब हो चुके हैं और 1-2 और ट्रायल के बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि R&D डिपार्टमेंट में इस बंदूक को भारत का सबसे बड़ा गौरव करार दिया है और कहा है कि 155 mm के क्लास में यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली बंदूक है और सशस्त्र बल इसके लिए अपनी रजामंदी भी दे चुके हैं। अब दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बंदूक की खासियतें क्या हैं और कैसे यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत बन गई है। दोस्तों, इस ATAGS को DRDO के आयुध रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग ने विकसित किया है और इसका उत्पादन देश की मल्टीनेशनल कंपनी भारत फोर्ज करेगी और इस बंदूक के निर्माण में 95% कंटेंट को स्वदेशी बताया गया है। वहीं BFL के अलावा महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक और पब्लिक सेक्टर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी डेवलपमेंट व उत्पादन में पार्टनर है। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इस बंदूक को विकसित करने में 4 वर्षों का वक्त लगा और तयशुदा डेडलाइन के तहत इसे मार्च 2017 तक तैयार हो जाना था और 2017 के ही ट्रायलों के बाद ये उम्मीद थी कि 2019 में ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता। दोस्तों, 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस की परेड में इस बंदूक का डिजाइन पहली बार देश के सामने प्रदर्शित किया गया था, लेकिन अब जाकर ये तैयार हुई है और अगले कुछ ही दिनों में ये सेना में शामिल हो जाएगी। वहीं दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, ऐसे समय में ATAGS का आना अहम खबर माना जा रहा है। दोस्तों, इस गन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्रिवन है, इसलिए इसके लंबे समय तक के मेंटेनेंस में काफी कम खर्च आता है। दोस्तों, ATAGS में 6 राउंड ऑटोमेटिक मैगनीज है जो 30 सेकंड में फायर कर सकती है। यह इसलिए दुगनी क्षमता वाली बंदूक है क्योंकि वर्तमान में 155 mm और 22 कैलिबर की बंदूकों में केवल 3 राउंड मैगनीज की ही क्षमता होती है। दोस्तों, इस बंदूक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने 48 किलोमीटर तक के प्रोजेक्टाइल रेंज का वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित किया है और ये बंदूक रात के अलावा किसी भी मौसम में कारगर है और अपनी क्लास की बंदूकों में ये तोपनुमा बंदूक 2 टन तक हल्की है। इसके अलावा ये बेहद ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही कम समय में इससे 5 राउंड लगातार फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेना के C-31 सिस्टमों के साथ भी ये बंदूक अपनी जोड़ी बनाने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, अगर इस बंदूक के प्रोजेक्ट कीमत और ट्रायल की बात करें तो सेना में 155 mm क्लास की पुरानी बंदूकों को रिप्लेस करने के लिए ATAGS के प्रोजेक्ट को 2013 में शुरू किया गया था, जिसे 2017 में ही पूरा हो जाना था। दोस्तों, करीब 18 टन वजनी और 70 डिग्री एलिवेशन वाले इस गन सिस्टम के ट्रायल को बालासोर, पोखरण और सिक्किम में किए गए थे, लेकिन दोस्तों सितंबर 2020 में सेना में इसके ट्रायल के दौरान बैरल ब्लास्ट हो जाने के कारण 4 सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद इसके बैरल में सुधार किए गए। वहीं दोस्तों, इससे पहले अगस्त 2018 में ट्रायलों के बाद डिफेंस अधिग्रहण परिषद ने 150 ATAGS को आर्मी में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी थी और इसके लिए 3,364.78 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। इसका मतलब ये है दोस्तों, एक ATAGS की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।